आज दो दो पार्टी हो रही है, दो दो सेलिब्रेशन हो रहे हैं। हमारी एनिवर्सरी का भी रहा और इनका हैप्पी बर्थडे का भी रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मज़े में हैं, है ना। दूसरी सालगिरह, वेडिंग एनिवर्सरी, इसी की खुशी में आज संडे में आज निकलते हैं बाहर घूमने। तो हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। सुप्रभात मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गर्दन हिला के कर रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादा, दादा कहाँ है? दादा, दादा कहाँ है? दादा कहाँ है? पापा को याद कर रही है। पापा आपको बहुत याद कर रही है। दादा 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 जाओ, एक राउंड मार के याद कर दूंगा। नहीं नहीं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, यू आर गुड बॉय ना। No papa, don't lie, no papa, open your mouth, ha ha ha। तो गाइस चलते हैं हम घूमने देहरादून की और, यानी कि अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वीर के साथ। है ना बेटा? हाँ ना, तू तो नॉट प्यार। तो गाइस हमने डिसाइड किया, हम जा रहे हैं निवासा रिसॉर्ट में। रिसॉर्ट भी कह सकते हैं और रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टे करने का, कैंपिंग करने का सब कुछ है। और ये सामने है हमारे निवासा, यहाँ से 100 मीटर लेफ्ट साइड हमें टर्न होना है और सीधे ऊपर जाना है। अब हम पहुंच चुके हैं निवासा रिजॉर्ट में, यानी कि निवासा रेस्टोरेंट में, जिसे कहेंगे आप। ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर आइलैंड पे आ चुके हैं। तो एक पूरी काफ़ी हाइट पे जगह है, और अभी आपने देखा भी था कि पहले जो चढ़ाई थी हमने जब स्टार्ट करी 100 मीटर ऊपर पे, तो सीधा चलते चलते जब हमने राइट टर्न लिया तो एकदम वो बहुत ही एडवेंचर एक पॉइंट था कि इस बार तो रोड भी अच्छी हो गई है, इस बार रोड भी अच्छी हो गई। पिछली बार वरना ऑफ रोडिंग इतनी थी ना, गड्ढे गुड्ढे और पत्थर वत्थर बहुत थे, गाड़ी स्किड कर रही थी पूरी। तो इस बार लेकिन रोड बहुत अच्छी बना दी इन्होंने। ये सामने हो गई है यहाँ पर एंट्री, लोग अपने फ्रेंड के साथ आ रहे हैं यहाँ पर चिल मारने। साथ के साथ मुझे ये दिखा पिछली बार यहाँ था कि यहाँ दो तीन हट थे इधर साइड, इस बार उन्होंने छप्पर की तरफ भी दिखा दिया है। छप्पर टाइप का, घास टाइप की जो होती है गांव में, वैसा टाइप का एक यूनिक एक टेंट। वैसे भी इस बार उन्होंने तीन और टेंट बढ़ा दिए, वैसे पहले उधर थे चार, थे चार या पाँच लगा रखे, पाँच फाइव, लेकिन इस बार इन्होंने तीन और चार और लगा दिए हैं। और कुछ ये भी बेटर कर दिया है इस बार, चेंज तो हो रखा है, अपडेट तो हुआ इस बार निवासा। इधर बैठे क्या? इधर साइड बैठे हैं, यहाँ बैठे इधर साइड। अरे वहाँ पर ना बुक हो, यहाँ भी बुक हो रखी है, यहाँ भी बैठ सकते हैं और क्या। तो एक एरिया है यहाँ पर बैठने का, यहाँ पर अपना एंजॉय करने का, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, चिल मारने का, एंजॉय करने का, मौज के साथ, मस्ती के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। उधर साइड जो यहाँ पर लोग खेल रहे हैं, उधर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वहाँ एक गार्डन टाइप का है, तो वहाँ भी चेयर वेयर लगने का सेटअप है, वहाँ पर बैठने का, चिल करने का, डिनर करने का, लंच करने का उधर भी है। एक है अंदर यहाँ पर, इसके ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं इधर साइड, यहाँ भी बैठने का है। तो यहाँ पर रक्षा और दीक्षा ने कहा है कि यहाँ बैठते हैं, ये अच्छा एक प्लेस है, अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा एक अच्छी वाइब्स आ रही है, यहाँ पर बैठने का सोचा हमने। और वीर काफ़ी एंजॉय कर रहा है। ए गुडी बॉय, आर यू एंजॉय? सुपरमैन, सुपरमैन। तो गाइस एनिवर्सरी हम आ रही है और बेटा हमारा बहुत हंस रहा है। और हमारी एनिवर्सरी में हमारा गिफ्ट रहेगा वीर हमारा। और यहाँ पर
कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन सा चल रहा है भैया क्रिकेट मैच, ये 10-10 या 20-20? 20-20 20 बाउट। हम भैया ऋषिकेश से आ रखे हैं। बहुत बढ़िया, मैं बहुत बड़ा एक टाइम पे ऐसा भैया बैट बड़ा सॉलिड है, भैया का बैट तो बहुत सुपर लग रहा है, बहुत कूल एकदम। भाई का वैसे लुक भी एकदम विराट कोहली की तरह लग रहा है। रोहित शर्मा के फैन है लेकिन लग रहे हो विराट कोहली की तरह। रोहित शर्मा पसंद है, अच्छा लगता है। आजकल चल नहीं रहा उसने, ये आजकल वर्ल्ड कप में चला नहीं, हाँ टाइम अच्छा नहीं रहा इस बार। और गाइस यहाँ की एक खासकर ये बात है कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है जैसे मैं आपको बताया था, और स्विमिंग पूल है ये, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। इस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर स्विमिंग पूल, क्योंकि अभी ठंड में तो नहीं होगा इतना मज़ा, इतना नहीं आएगा, पर ये कि गर्मी में बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर अगर आओगे तो। सुनो चलो फटाफट चलते हैं, केक काटते हैं, वरना केक कहीं पिघल ना जाए, तुम्हारा एनिवर्सरी केक हमारा पिघल ना जाए। और यहाँ पर केक लग चुका है और कट करने की देर है। आज दादू वीर, दादू कहाँ है, दादू दादू कहाँ है, दादू कहाँ है, दादू हिल क्यों रहा है, आप पकड़ो तो देखो। बर्थडे में तो ये हंसा नहीं था, चलो एनिवर्सरी में हटो, चलो इसको मत खिलाओ, इसको मत मोमबत्ती खिला, मुझे लगे कैंडल है, ये लो या हैप्पी एनिवर्सरी। और ये है हमारा गिफ्ट एनिवर्सरी का। तो हम भी शामिल हो जाएं आपके बर्थडे में, है ना, इस ब्लॉग में, इस नहीं हमारी एनिवर्सरी थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम भी पूछ रहे थे, हम सोच रहे थे कि कैसे पूछें आपको कि हमारे उसमें शामिल हो जाइए, आइए। लेकिन कोई नहीं, मैं बेशरम होके आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन हम जरूर होंगे और अपने व्लॉग में इस मोमेंट को कैद करेंगे, है ना। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसका नाम है अश्व सिंह रावत। अश्वत है इसका नाम, इसे हम प्यार से वीर कहते हैं। दो दो पार्टी हो रही है, दो दो सेलिब्रेशन हो रहे हैं, हमारी एनिवर्सरी का भी रहा और इनका हैप्पी बर्थडे का भी रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिवानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, क्लैपिंग ढूंढे अपने मंजिल का नशा, यादा तेरी यादा आती है, जा मेरी जान जाती है, तन्हाइयों में रहता हूँ अक्सर, तुमसे कहता हूँ क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूँ छोड़ा, क्यों तेरा बेरा है दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूँ बेकरार। मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू शिवानी, हैप्पी बर्थडे। बोरिंग वाला यार इतना लड़कों ये क्या है, ये फरमाइश है एनिवर्सरी के दिन का, एनिवर्सरी की फरमाइश चलो करेंगे पूरी। ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना,
ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना, होटा दिया लालिया कन्ना दिया वालिया, पूछदा ही कहंदी सुन तालू मैं, मेरे अपने तेरे हैं अब से तेरे सपने मेरे, तू कदम हो रास्ता बनूं मैं। ओ मेरी सुनिए वे रुटने से पहले तुझको मैं प्यार से मना लूं, तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, हर जिंद ऐवे मेरी रहना, ओ सुनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना। पास अगर डाकू भी आ जाए ना, डाकू भी आ जाए ना, डाकू डकैत भी आ जाए तो ये उनके पास भी लेगा, वो कहेगा आओगे मेरे साथ, कहेगा हाँ चलूंगा मैं सबके साथ चले आता हूँ। ऐसा ही है आपका क्या नाम है? कियान कंडारी। कियान कंडारी, कंडारी जी कहाँ से हैं आप? देहरादून। देहरादून से। बाय। थैंक यू भैया, बहुत ही लेट कर दिया, आधा घंटा इंतजार किया। ता ता ता। इसकी हाइट छोटी लग रही है बहुत। ये ऐसा लग रहा है कि नीचे जमीन में जैसा हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। करो 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 करो। नहीं गुम्मा 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 ये तो आज बहुत मजा आया गाइस, और एनिवर्सरी के साथ साथ लड़की की यहाँ पर बर्थडे पार्टी भी रही, तो उसका नाम है बर्थडे गर्ल का नाम है शिवानी, तो हैप्पी बर्थडे शिवानी फिर से अगेन, और थैंक यू। और यहाँ का कैसा लगा आपको, यहाँ का फीडबैक दीजिए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, प्लेस काफी अच्छी है, लाइक पीसफुल है, एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, आप वीकेंड पे कभी आ सकते हैं, तो इट्स अ रियली नाइस प्लेस। ये तो बहुत अच्छी चीज है, टाइम लेके आइएगा। यस, हां टाइम लेके आइएगा, और टाइम का इंतजार भी करना है, इंतजार भी करना, पेशेंस भी रखना है आपको, क्योंकि खाना अगर आपने ऑर्डर दे दिया, आपने फूड का अगर ऑर्डर दे दिया, तो उसके बाद आधा पौन घंटा तो आपको आराम से लगेगा और वेट करना पड़ेगा। और खाने की बात कहें तो उसका खाने का फीडबैक नहीं दिया। खाने का ठीक है, ओके 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 ओके। हम जो 7/10 दे सकते हैं। हां 10 में से कितना दोगे? 7 प्लेस को आई थिंक 10 प्लेस को 10/10 और खाने को 7। तो गाइस इस ब्लॉग को कमेंट करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को फॉलो करने के लिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। सो गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।